हेलो गाइस, माय सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ये दुर्गा पूजा स्पेशल नाइट मेकअप लुक लेके आई हूँ। आप लोग दुर्गा पूजा में अष्टमी नवमी किसी भी दिन नाइट के टाइम ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, और मैंने बहुत इजी तरीके से किया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखो। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे टोनर अप्लाई किया है, और मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का रोजिप टोनर यूज़ किया है, और मैं इसे अपने फेस पे थोड़ा सा डैप डैप करके अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद मैंने सीरम के लिए यहाँ पे गुड वाइब्स का रोजिप सीरम यूज़ किया है, और ये बहुत ही अच्छा सीरम है। काफ़ी अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज हाइड्रेट दोनों करता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ब्राउज़ को डिफ़ाइन करने के लिए वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ किट यूज़ किया है, जो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट मैं अपने आईज़ के लीड पे मेबलिन फिट मी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। मेरा शेड है लाइट, क्योंकि मुझे आई शेडो ड्रॉ करना है, इसीलिए ये स्टेप कर रही हूँ। मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं कंसीलर को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से सेट कर लूँगी, ताकि कोई क्रीज लाइन ना जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉर्फी जैकलिन हिंट का आई शैडो पैलेट से ये ट्रांजिशन शेड लेके आईज पे अप्लाई कर लूँगी, और ये फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मैं ये शेड लेके अपने आईज के क्रीज पे ऊपर प्लेस करके अच्छी तरीके से ब्लेंड करती रहूँगी। पहले हमें कलर को क्रीज लाइन पे अच्छी तरीके से प्लेस कर लेना है, उसके बाद ही इसे ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैं सेम पैलेट से ये ब्लैक आई शेडो पैलेट लेके आईज के आउटर वी पे प्लेस कर लूँगी, और थोड़ा सा हल्का सा इनर की तरफ ब्लेंड करती रहूँगी। नेक्स्ट मैं कलर को थोड़ा सा फेड करने के लिए ट्रांजिशन शेड लेके क्रीज के ऊपर प्लेस करके ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे हलो आई मेकअप लुक किया है, तो मिड लीड को कट कर लूँगी, और मैंने यहाँ पे मेबलिन का ही कंसीलर यूज़ किया है, और सेम ये शिमरिश शेड लेके जो मैट मैंने यूज़ किया था उसी का शिमरिश शेड लेके मैं मिड लीड पे प्लेस कर लूँगी, और इनर और आउटर वी पे कलर को प्लेस करके हल्के से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई हर्श लाइन ना दिखाई दे और कलर ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाए। नेक्स्ट सेम शेड लेके मैं अपने आईज के वाटर लाइन के क्लोज प्लेस कर लूँगी, और सेम ब्लैक शेडो लेके उसके नीचे प्लेस करके थोड़ा सा स्मर्ज कर लूँगी, और जो फॉल आउट हुआ है एक्सेस उसे मैं एक टिश्यू के हेल्प से क्लीन कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का वाइट कोल काजल यूज़ किया है अपने आईज के वाटर लाइन पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लैक्मे इंस्टा लाइनर से एक लंबा सा विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी, जो इस आई मेकअप लुक को और भी प्यारा बना देगा और भी अट्रैक्टिव बनाएगा। तो आप लोग ऐसे ही एक इंस्टा लाइनर यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, मैं ऐसे ही ज़्यादा देर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं मेबलिन हाइपरकल मस्कारा से अपने आईज के अपर और लोअर लैशेस को कोट कर लूँगी। नेक्स्ट आते हैं फेस मेकअप पे, और मैं यहाँ पे NYB का ब्लर इन प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे, ताकि मेरा जो ओपन पोर्स है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाए। और गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा काम करता है, पोर्स को बहुत अच्छी तरीके से ब्लर करता है। उसके बाद मैं ये यहाँ पे हिलेरी होदा का ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है वहाँ पे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है, क्रीमी टेक्स्चर में है, तो मैं अपने फिंगर टिप से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मेबलिन का 24 आवर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और मेरा शेड है वॉर्म न्यूड 128। और आप लोगों को पता ही है ये फाउंडेशन कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। नेक्स्ट मैं कंसीलर के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर, और मेरा शेड है लाइट, और इससे मैं अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड का कंट्रोल पैलेट से अपने फेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगी, इससे फेस जो है मेरा बहुत ही शार्प दिखेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मैरी जो केजरी का बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ट्रांसल्यूशन पाउडर, अपने फेस को बेकिंग करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा एक मैट फिनिश्ड पाउडर है, आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लश के लिए शुगर का पीची पिंक ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा फेवरेट है।
हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे शिवाना का हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और जो मेरा पूरा गिर के अभी टूट गया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा है, पर क्या करूँ, इसी को ही यूज़ करना पड़ा क्योंकि अभी मेरे पास कोई हाइलाइटर अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसे अपने नोज़, चिक बोन्स, ब्राउ बोन्स, फेस को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी अच्छे से। अब इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट करने के लिए हिलारी हुदा का ग्लिटर लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे हुदा ब्यूटी का शुगर ममा मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जिसका शेड बहुत ही अमेजिंग है, पूरा न्यूड शेड। नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड का ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर, इससे और भी मेकअप लुक जो है बहुत ही गॉर्जियस दिखेगा। और मैंने ऑफ़ कैमरा अपना फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर लिया है, और मेकअप सेटिंग स्प्रे के हेल्प से मैंने अपना मेकअप सेट कर लिया है, और हो गई मैं एकदम रेडी। माई फाइनल मेकअप लुक, एंड आई होप कि मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और पूजा बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिए। आप लोग ये मेकअप लुक के साथ ऐसा इयर रिंग पहन सकते हो बड़ा वाला, या तो कोई भी नेक पीस पहन सकते हो जो आप लोगों को अच्छा लगे, नेक पीस भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब इयर रिंग थोड़ा सा छोटा पहन लेना। और गाइज, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आती हूँ तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पर फॉलो कर सकते हो, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस, विंटर सीजन आने वाला है, सामने ही है, और ऑल टाइम हम लोग बॉडी लोशंस और बॉडी वॉश दोनों यूज़ करते हैं, तो मुझे साइबल इंडिया से ये दोनों प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, एक है बॉडी लोशन और एक है बॉडी वॉश, दोनों ये एक इंडियन ब्रांड है जो नया लॉन्च हुआ है, उन्होंने मुझे ये दोनों प्रोडक्ट सेंड किया है। और गाइस, का स्मेल जो है, फ्रेग्रेंस जो है, बहुत 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 अमेजिंग है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। मैंने पूरा दिन देखा है कि इसका बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा फ्रेग्रेंस रहता है। और गाइस, ये स्किन को ड्राई बिल्कुल नहीं होने देता है, बहुत अमेजिंग एक बॉडी लोशन है। ये 200 ml का है, और इसका प्राइस जो है 540 है, क्वाइट एक्सपेंसिव है, पर इसका जो काम है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और ये बॉडी वॉश का 450, पर ये दोनों ही आपको बहुत दिन तक चलेगा। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा देके परचेस करते हो और इतना अच्छा अमेजिंग काम करे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा पैसा देके ही परचेस करना चाहिए, क्योंकि अभी जो बॉडी लोशंस वगैरह मिलता है बहुत ही ग्रीसी फीलिंग हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, या तो स्किन को बहुत जल्दी ड्राई कर देता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। पर ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग काम करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है। मैं थोड़ा सा यूज़ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने थोड़ा सा ही लिया है, और अमेजिंग, एकदम सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट बना देता है ये हैंड को। आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। और इनका जो पेज का नेम है, मैं देखो दोनों हाथ में डिफरेंस, ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और ये सॉफ्ट हो गया, तो मैं इनका जो पेज का नेम है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, साइबल इंडिया, आप लोग वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हो, डीएम कर सकते हो उनको, तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। और गाइज, मेरा ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना, और पूजा में बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय करना। सो आज का वीडियो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।